70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ 70 घोटाले हुए हैं। 2024 में ना प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज बहुत सारी संपत्तियां बेची जा रही है, रेल बेचने की तैयारी हो रही है। बिल सुनो, अगर 2014 में भाजपा ना थी ना, तो भाई साहब अभी तक ना ये कांग्रेस पार्टी देश को बेच के इटली भाग जाती। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, देश हमारा इस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है। महंगाई की बात बोल रहे ना, एक कट्ठा धान लगाने में 700 रुपया भी खर्चा होता है, जो पहले 20 रुपया में एक कट्ठा धान लगता है, 140 रुपये में कट्ठा धान लगते हैं। अगर हमारा मानो 700 रुपये कट्ठा धान लगाने में लगेगा, 2-2.5 मोन धान होता है एक कट्ठा में, हम कितने रुपये बाजार में बेचेंगे उसको? 1200 रुपये कुंटल हम धान बेचते हैं बाजार में जाकर के, तो महंगा होगा जी सर। मेरा कहना है कि एक अंकल थे तो वो कह रहे थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 8 साल में बहुत कुछ हो गया। तो यार हम खड़े हैं, सड़कें ऐसे ही बन गई, एम्स ऐसे ही बन गए, IITs, कॉलेजेस, लोग इतने पढ़ लिख गए, आज एम्प्लॉयमेंट लोग कॉरपोरेट हाउसेस चल रहे इतने, सब ऐसे ही हो गया। मतलब सर एक बात बताइए, सर कह रहे हैं कि अगर 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ तो एम्स ऐसी बन गए क्या, IIT ऐसी बन गई क्या, सड़कें ऐसे ही बन गई जिसपे हम खड़े हैं? 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ 70 घोटाले हुए हैं। अच्छा। जिसकी सुनो, अरे भाई मेरे सुन लो। जब देश आजाद हुआ था ना, हमारे पास कुछ नहीं था, 55 करोड़ रुपए थे हमारे पास, हमने ना जीरो से बिल्ड किया है, और जीरो से बिल्ड करने में सुनो पचपन करोड़ रुपए भी पता नहीं कैसे कैसे बचा है, नहीं तो ये कांग्रेस वाले तो 55 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान को दे देते। भाई साहब भारत लुटवा के अभी तक ये तो इटली भाग जाते। सुनो, अगर 2014 में भाजपा ना थी ना, तो भाई साहब अभी तक ना ये कांग्रेस पार्टी देश को बेच के इटली भाग जाती, और आज जो श्रीलंका में हो रहा ना, वो यहाँ पे हो रहा होता। हाँ भाई साहब, कहाँ सो रहे हो आप? इन लोगों ने कौन से घोटाले नहीं किए, 2G, 3G, 5G, भाई साहब इतने घोटाले किए हैं, 70 साल में 72 घोटाले जी सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस समय घोटाले नहीं हो रहे हैं? इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों में हो रहे हैं। आज आपने कॉर्पोरेट हाउसेस को आपने पावर दे के रखी है, वो घोटाला नहीं तो क्या है? सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, उसको मोनेटाइज कर दिया गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि घोटाले नहीं हो रहे? आपने सरकारी पावर ही अगर आपने कॉर्पोरेट हाउसेस में दे दी, तो आओ एक संपत्ति बताओ कौन सा बेचा, एक बताओ। आप कैसे डेटा निकालने का? आज बहुत सारी संपत्तियां बेची जा रही है, रेल बेचने की तैयारी हो रही है, बेल बेचने की तैयारी, रेल गेल जो बेचा है उसकी बात हो रही है। एक मिनट सुनो भाई साहब, ठेके के ऊपर 5 करोड़ रुपया पर साल का मिलता है, 25 करोड़ रुपया 5 साल के लिए दिया गया है, और ITC कंपनी को दिया गया है ताजमहल, और अगर आप कहो कि ये क्यों दिया है, तो आपकी मनमोहन सरकार ने हुमायूं का मकबरा भी ठेके पे दिया था, पता कर लेना जी सर। अच्छा, तो गलत है मोदी सरकार दे तो गलत है, मनमोहन सरकार ने अगर ठेके पे दिया तो ठीक है, मोदी सरकार ने दिया तो बेच दिया। मौजूदा सरकार के ऊपर सवाल उठाने की ताकत रखते हैं ये देश का जिम्मेदार आदमी, वो चाहे विपक्ष हो चाहे इस दौर की मौजूदा सरकार हो, हमारा सवाल हमेशा उठता रहेगा, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक है, हम अंधभक्त नहीं है। आप बताइए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश हमारा इस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं अब आने वाले समय में 2024 में मोदी जी फुल बहुमत से आ रहे हैं, तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि आप वीर सावरकर जी को और नाथुराम गोडसे को भारत रत्न कब दे रहे हैं? मोदी जी आप दोनों को भारत रत्न से सम्मानित कीजिए, तो ये पूरा देश आपके साथ है। तो क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किन मुद्दों के? 2024 में ना प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उसके बाद मुझे लग रहा है साल और 1.5 साल बाद ना गाय चाय वाला जाएगा, गाय वाला आएगा। अच्छा। तो बहुत ज्यादा लिब्रांडो गाय वाला कौन? गाय वाला कौन? अरे मैडम, गाय वाले को भी बताना पड़ेगा भाई। योगी कह रहे गाय वाला कौन, पत्रकार पूछ रहे हैं। अच्छा। योगी बाबा जब आएंगे ना, तो ऐसा बैंड बजाएंगे जैसे ये बोल रहा था ना, हम तो जिम्मेदार नागरिक हैं, हम तो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हैं। अच्छा। हम तो इस देश को गजबाइन बनाएंगे, हम तो इस देश की बुराई करेंगे, हम ऐसे हो के ना फट्टे पड़ेंगे योगी बाबा के, इतने तो बोल के चलेगा नहीं, इतनी नहीं बोलने देते। मेरी बात सुन लो भैया, आप सुन लो मेरी बात। इस भारत को ना सुनो, जब भारत जोड़ो निकला है ना वो पप्पू। अच्छा। भारत तोड़ो यात्रा है वो। अरे भैया पप्पू क्यों बोल रहे हो, वो तो राहुल गांधी हैं। और बुरा बोलूं? राहुल गांधी को खड़ा कर लो मेरी गली में, और मेरे कुत्ते को, अगर मेरे घर के दरवाजे पे कोई, मैं कह रहा हूँ मेरे घर के दरवाजे पे कोई मंत्री भी आ गया ना, आम आदमी पार्टी का मंत्री बोल रहा हूँ मैं, राजेंद्र पाल गौतम भी आ गया ना। अच्छा। तो मेरी गली का कुत्ता उसको पैंट फाड़ देगा। भाई साहब, राजेंद्र पाल गौतम कौन?
मैं शपथ खाता हूँ और 10,000 आदमी को शपथ खिलाता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश को, नहीं कौन बोल रहा है तेरे को मानने के लिए, कौन बोल रहा है, मिल तो सही, मैंने फट्टे में 10 किल लगा रखी है, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो बोल, एक तो वो है जो शपथ खिला रहा है कि हिंदुओं का बहनों बौद्ध बना रहा है और कुछ एक हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, कुछ एक भी जैन जो है वो क्रिश्चियन जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं, कौन लोग हैं ये लोग, और एक राहुल गांधी जिनके बापों ने पाकिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे साइन पर उन्होंने दिया।